नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुकी है डेरा सच्चा सौदा से एक यूथ लड़की। जानते हैं उनसे बातचीत करके क्या है आखिर उनका आज भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े होने का कारण। नमस्कार मैम, आपका नाम? कितने समय से आप डेरे से जुड़ी हुई हैं? आप एक यूथ लड़की हो, इसके बावजूद भी आप डेरे से जुड़ी हुई हो, तो आपको क्या लगता है कि आप डेरे में सेफ? जितना सेफ मैं अपने आप को डेरे में मानती हूँ, शायद मैं उतना सेफ अपने आप को कहीं और नहीं मानती हूँ। मतलब मैं सासत नाम की गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं शायद इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इस स्कूल में लगाया कि वो भी ये मानते हैं कि इससे ज़्यादा सेफ जगह कोई नहीं है। आपने बताया अभी आप गुरुजी के स्कूल में ही पढ़ते हो, वहीं से स्टडी कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है वहाँ किस तरह का इन्वायरमेंट लड़कियों को दिया जाता है, किस तरीके की वहाँ सेफ्टी लड़कियों के लिए रखी जाती है? आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे कितनी सेफ्टी मिलती, कहीं और मिलती होगी। मतलब लोग बाहर बाहर से अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ भेजते हैं, कोई तो बात होगी। मतलब बाहर और भी बड़े बड़े स्कूल हैं, हाई फाई स्कूल हैं, बट वो फिर भी इधर ही भेजते हैं क्योंकि वो इतनी सेफ्टी महसूस करते हैं। इसलिए आज भी आपका गुरुजी को लेके, डेरा को लेके इतना विश्वास है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है, वो हम उन्हें भगवान मानते हैं शुरू से। उन्होंने हमारे लिए इतने करिश्मे करे हैं, हम पे इतनी मेहरबानी करी है, तो क्या आप आगे भी गुरुजी से जुड़े रहेंगे? गुरुजी को समाज में होना चाहिए। हाँ, गुरुजी के बिना तो बिल्कुल सारा समाज अधूरा सा लगता है, सारा देश कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट फिर भी वो कोई ना कोई प्रॉब्लम आने पर उसका सोल्यूशन वहाँ बैठे भी निकाल देते हैं। बट फिर भी एक अलग बात होती है जब गुरुजी हमारे बीच में होते हैं। क्या किया है गुरुजी ने समाज के लिए? गुरुजी ने समाज के लिए जो किया शायद वो किसी ने नहीं किया। मतलब कितने 134 वेलफेयर चलाए हैं, उसमें से कितने अच्छे अच्छे, मतलब ब्लड डोनेशन, बॉडी डोनेशन। इनफैक्ट मेरी मम्मा, उन्होंने भी अपनी, उनको शायद नहीं है यहाँ पे, बट उन्होंने भी अपनी बॉडी डोनेट करी क्योंकि हम पे, हमारा उन पर इतना विश्वास है कहीं पर कि, मतलब मेरी मम्मा का भी शुरू से इतना ज़्यादा विश्वास था, उन्होंने भी अपनी बॉडी डोनेट करी। आपने जो बताया कि आपकी मम्मा बॉडी डोनेट करने वाली है, तो उन्होंने किससे प्रेरणा करी? अच्छा, कर चुकी हैं बॉडी डोनेट, तो किसकी प्रेरणा से उन्होंने की? पिताजी की प्रेरणा से करी है उन्होंने। मतलब जब पिताजी ने वचन किया था तो उन्होंने माना था कि अपनी, बल्कि हमारी सारी फैमिली ने माना कि जब बॉडी डोनेशन की आएगी तो सारी बॉडी डोनेट करेंगे। तो क्या आज समाज में गुरुजी को होना चाहिए? बहुत ज़्यादा जरूरत है गुरुजी की। गुरुजी समाज में नहीं है तो समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है? मतलब इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, इतनी बीमारियाँ, जैसे अपन देखा कोरोना जैसी बीमारियाँ, मतलब गुरुजी के जाने के बाद मतलब सारा कुछ बिगड़ता ही जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। गुरुजी के ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मतलब जितना गुरुजी, मतलब गुरुजी कितने सच्चे हैं, बाकी लोग तो झूठ बोलते रहते हैं, उनको कुछ ना कोई इल्जाम लगाना ही होता है। चिट्ठी हमने देख दिखाई भी नहीं आज तक समाज को, उसके ऊपर इल्जाम लगा के भी देश को जेल में कर दिया। अगर तुमने इतना दम है तो दिखाई ना, वो चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था उसके अंदर, बल्कि उसने कुछ ना कुछ ना दिखाया उसके लिए। आप अपनी वीडियो के माध्यम से क्या संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? मैं लोगों से यही करती हूँ कि पिताजी को ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास रखें, वो जल्द से जल्द हमारे बीच में आएंगे, अपना विश्वास उनके बढ़ाते रहें। सरकार से क्या अपील करोगे आप? सरकार से यही अपील है कि हमारे गुरुजी को जल्द से जल्द, मतलब यहाँ भेज दें और सभी को दिख ही रहा है कि पिताजी के बिना क्या हो रहा है। जी मैम, धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से डेरा सच्चा सौदा की एक यूथ लड़की हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिन्होंने बताया कि गुरुजी ने कितने समाज सुधारक के कार्य किए हैं, क्या ऐसे गुरु की, ऐसे संत की आज समाज को कितनी जरूरत है। खुद ही सोचिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और ऐसी ही सच्ची खबरें देखते रहिए, जुड़े रहिए द फैक्ट्री के साथ। धन्यवाद।